आपको पता होगा जब घर में कोई पूजा कराते ब्राह्मण आता है तो तिलक लगा कर पूजा करवाता है। जैसे कोई अच्छे कोई बिजनेस में जा रहे हैं तिलक लगा कर के बेचते हैं, क्यों? तुम्हारी बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हारी बिजनेस बन जाए। इसलिए आप देखना नारायण भगवान तिलक है, विठल नाथ का तिलक है, राम का तिलक है, कृष्ण का तिलक, भगवान भी तिलक था, तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी तिलक है, हनुमान जी तिलक है, तुलसीदास जी तिलक है। ये तिलक पवित्र बात है, तिलक किसी काम के लिए तिलक लगा कर जाओ काम हो जाए, ठीक है ना। इसलिए जरूर ये तिलक लगानी चाहिए। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश, और ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है, उसका नीचे देखो तुलसी पता जैसे ठाकुर जी के चरण में देते हैं। इसलिए रोज तिलक लगाना, और जो हम जो तिलक लगाते हैं वो तो साधारण चीज नहीं, वो आता है द्वारका से। वो द्वारका से आता है। ये नवद्वीप धाम क्या जानते हो? ये नवद्वीप धाम में वो तिलक है, नहीं तिलक ही नवद्वीप धाम है। ये गोपियों का चरण धूलि, नारद जी वृंदावन से लेकर के द्वारका भगवान स्नान किया, इसलिए वहां पर गोपी का लाभ है। इसलिए वो वही चाहता है, ये पवित्र वस्तु रोज तिलक लगाया करना, ठीक है। ऐसे ही तिलक लगा जैसे आप तिलक लगा रहे, जो तिलक दर्शन करते हैं उनको ठाकुर दर्शन करने का फल मिल जाता है। इसलिए जो तिलक लगाते हैं उनके शरीर में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी सारे तीर्थ उसको शरीर में विवास करते हैं। जैसे माताएं मांग भरी है ना, मांग क्यों भरे? स्वाद का लगे, लेकिन ये स्वाद बढ़ जाएगा कुछ दिन बाद में, स्वाद भी खत्म हो जाएगी, हम भी मर जाएंगे सर। लेकिन अगर ये सुहाग कोई लगाए ना, बस चिरकाल के लिए कृष्ण तुम्हारी पति बन जाएंगे, ये कभी छोड़ेगा नहीं, मेरे जन्म जन्मांतर वही तुम्हारी पति बनते रहेंगे। इसलिए ये असली जो सुहाग है ना, ये तिलक असली सुहाग है। ठाकुर को सामने तिलक लगा कर ले जाओ, ठाकुर समझ नहीं मेरे, ठीक है ना। इसलिए तिलक में भी रथ लगेगा, ये तिलक है। घर में ऐसे एक पंचपात्र रखना, ठीक है, एक घर में ऐसे रखना, रख करके जैसे नहा दो कर तिलक लगाया, ये कहाँ कहाँ पर तिलक लगाया, तिलक लगा कर ठाकुर के सामने बैठ जाना, बैठ करके पेपर दिया तुमको, पेपर मिला है जैसे जिनको चप्पर नहीं ले, जो 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 लोग हरिनाम ले रहे हैं, जो लोग हरिनाम ले रहे हैं वही लोग इंग्लिश खत्म देखो आप है ना, इनको थोड़ा बाद में सब चीज को समझाना, आप खड़े होकर समझ लो, आप इनका समझ लो, आज आसान देखो इधर सुनो, रोज स्नान करके ऐसे के पात्र रख करके ठाकुर के सामने बैठ करके इसको ऊपर ऐसे हाथ रखना, रख करके उसका नीचे दो श्लोक है, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा जस मरेत पुत्र के आज्ञा में सब आया देना। घर में ही जब कोई ब्राह्मण पूजा कराना आएगा पहले ही मंत्र बोलेगा, फिर पूजा करेगा, नहीं तो उसको पूजा सक्सेस नहीं है। इसका मतलब हो गया गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु सब तीर्थ इसमें आ गया, ये मंत्र बोलते ही और बाहर भीतर से पवित्र हो गए, ये पानी को अपना सर पर इसे तिरवल छिंदन, इसका मतलब सारे तीर्थ में हमारा नहाना हो गया, गंगा जमुना सब तीर्थ में स्नान कर लिया, ठीक है। इसको बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक आचमन है, ये आचमन लिखा हुआ, जैसे एक बार पानी लेकर के हाथ फेंकते ना, माधव आय नमः पानी फेंकना, केशव आय नमः हाथ धो करके नारायण आय नमः, इसको आत्मन कहते हैं, इसको करने का। अभी तिलक तो लगा दिया, लेकिन ये तिलक का एक एक भगवान का नाम है, ये तिलक नहीं, ये कवच है। सुने होंगे कर्ण का शरीर में कवच था, जब तक उसको शरीर में कवच रहेगा दुनिया में कोई उसको नहीं मारता, ये तिलक रूप में कवच काम करता है, है? जैसे माँ जसोदा कृष्ण को ये तिलक रोज लगाया करती थी, जैसे आज तुम्हारी कोई बड़ा विपत्ति हो रहा है लेकिन आप तिलक लगा कर जाओ विपत्ति को नीचे, क्योंकि भगवान पूरा शरीर में ठाकुर जी तुम्हारे शरीर में बैठेंगे, शरीर में जैसे कोई टूटा सूटा हवा लग जाता है,
अगर इसको पढ़ दे ना तो सब हमारे शरीर से निकल जाए, इसमें भी ताकत है। इसलिए जैसे पानी लेकर के ना गलाने के जैसे मतलब ये तिलक भगवान के सब बैठे, उधर नारायण है, यहाँ पर भगवान नारायण नारायण बैठे, भक्त माधव है नमो बैठे, गोविंदा है नमो दक्षिण पर से विष्णु है नमो दक्षिण भाव से मधुसूदन दक्षिण से त्रिविक्रम बाम पर से वामना है बाम भाव धराय बाम से यीशु के पृष्ठ पद्मनाभ कटि में तपन निवास करते। इसका मतलब पूरा शरीर में भगवान निवास हो गया। देखो मैं रसिया गया था, एक माता जी थी उसको पेट में बच्चा नहीं आता, वो भूत पिशाच को देखता रहता, उसको नींद नहीं आती, आग लाल लाल जल, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब गया मैंने तुझे बात बताई, बोले बाबा मैंने सारे काम किए लेकिन मैं तो डायरेक्ट मेरे को भूत पिशाच दिखता है, हर तरह के कई सौ पेट में बच्चा नहीं आ रहा। फिर मैंने बोला कि काम करती हूँ, बोले नहीं करता हूँ, बोले आज से ये काम करो। फिर जब मैं दूसरा साल गया ना, उसका बेटा हुआ, तो जो बेटा हुआ क्योंकि उल्टा हवा आती ना, जब से ये काम किया दूसरे दिन खत्म हो गया, क्योंकि मंत्र साधारण मंत्र ये वेद मंत्र है, हाँ ये वेद मंत्र है, इसको करने से कोई गंदी चीज तुम्हारे शरीर में रह नहीं सकती, सब निकल जाएगा शरीर से, ठीक है ना। रोज ये काम को रोज करने का और उसको पीछे रखना, गुरु जी का प्रणाम, सारे वैष्णव का, महाप्रभु नित्यानंद और श्री राधा रानी कृष्ण वृंदा देवी पंचतत्व महामंत्र, इसको रोज एक बार इसको पढ़ने का, ठीक है, द्वितीय काम रोज कर लेना। और हमारे प्रभु जी है, अब तो थोड़ी सी अच्छे तरह से जो वैष्णव देना चाह रहे हैं ना, ये तो थोड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। और ठाकुर के से भोग लगाते हैं, ये अब थोड़ी सी उनको भोग कैसे लगाना, ये सब सारे वैष्णव देना चाह रहे हैं, अच्छे तरह से, ठीक है। देखो जो लोग प्याज लहसुन छेड़े हुए, जो मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए ये तुलसी माला है, और जो लोग अभी खा रहे हैं उनके लिए हम अलग नीम माला देंगे, उधर पूरा तुलसी माला है, ठीक है। ये माला देख, ये जो अंगुल है ना उसको ऐसे बाहर निकाल के रखना, ये गंदा अंगुल है, इसको हम ऐसे बाहर निकाल के रखते हैं। और ये जप करने से पहले एक नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासानी, जो हिंदी पढ़ सकते हो ना हिंदी में लिखा हुआ ले लो, जो हिंदी हिंदी भाषा सब ले लो, इसमें इसमें लिखा हुआ है इसको घर में स्टिकर लगा सकते हाँ। इधर देखो पहले ये पहले जो शुरू करना मोटे तरफ से, ठीक है, मोटे तरफ से, और अंगुल ऐसे रख करके बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे बोल करके ना उसमें एक मोती सरकेगा, ठीक है, फिर दो बार बोल करके दो मोती सरकेगा, देखो तीन बार तीन बार, जब यहाँ आ जाए इसको ऊपर में पार नहीं, इसको ऐसे खाने से पहले कुछ माला करके भोजन करना, बगैर माला की बगैर भोजन नहीं करनी चाहिए। फिर दिन में जब जब फुर्सत होगा तब तक नाम करना, कुछ माला करते हैं पहले से कुछ करते हैं, कोशिश करना कुछ ठीक से आओ, अगर चार ही माला करते हो उसको नीचे नहीं उतरना, अगर आठ माला करते हो उसको नीचे नहीं उतरना, अगर सोलह माला करते हो उसको नीचे नहीं उतरने का, अब उससे ज्यादा एक फिक्स रख लेना,
आठ जैसे सोलह वाला पूरा फिक्स करना, इससे नीचे उतरना नहीं, बल्कि उससे ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लेकिन उसको नीचे और ऐसे नहीं एक दिन इच्छा हुआ माला ही नहीं किया, नहीं, ये माला रूप में भगवान ठाकुर जी आपके पास में आए हैं। माला को भी भूखा नहीं रहना चाहिए, मतलब अगर एक दिन आप नहाओ नहीं खाओ नहीं अच्छा लगेगा, अगर एक दिन हरिनाम नहीं किया ना ठाकुर जी को भूखे मिल रखे, ठाकुर जी भूखे ही रहेंगे, ठाकुर जी ठीक है ना, ठाकुर जी को भूखे नहीं रखनी चाहिए। हाँ लो ये माला लो, कुछ कुछ को माला कौन लेने वाले, ये इधर आ जाओ जो माला ले, आप तुलसी वाला है ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें कौन तुलसी वाला और नीम माला कौन लेने वाले, तुलसी वाला है कि नीम माला लेने वाले, इधर नीम वाला।